इंदौर जिला प्रशासन द्वारा शहर को भिक्षुक मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। शहर के प्रमुख स्थान पर अब कम संख्या में ही भिक्षुक नजर आते हैं। पहले चरण के तहत प्रशासन बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक्शन ले रहा है। बाल भिक्षावृत्ति की जानकारी देने वालों को प्रशासन नगद पुरस्कार भी देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए 15 फरवरी तक का लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रशासन कुछ हद तक कामयाब ही हो गया। शहर में पिछले कुछ दिनों से बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस अभियान को और गति देने के लिए सोमवार को हुई समय सीमा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी भिक्षावृत्ति पर नजर रखी जाएगी। भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक कैमरे में नजर आने पर कंट्रोल रूम से चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना प्राप्त हो जाएगी। देखिए, आज टीएल बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें खासतौर पर विभागों के आपसी समन्वय की चीज़ें हैं उनको देखा जाता है। सबसे पहले तो जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण चालू होने वाला है, उसके लिए टेस्टिंग करी जा रही है और इस हेतु नगर निगम और आईडीए की तरफ से जो वहाँ पर यूटिलिटीज़ या लाइनें हैं उनकी जानकारी प्रदान करने को कहा गया है, जिससे कि जल्दी ही वहाँ का काम हम लोग एक्चुअल शुरू कर सकें। इसके साथ साथ जो दिव्यांग रोजगार मेला कल हम लोग करने वाले हैं, उस हेतु भी सभी को निर्देशित किया गया है और हमारी कोशिश है कि बड़े पैमाने पर कल दिव्यांगों को रोजगार भी दिलाया जाए और एक पोर्टल ऐसा जो आगे के लिए रोजगार के लिए सहायक होगा उसकी भी कल हमारे द्वारा लॉन्चिंग करी जाएगी। भिक्षावृत्ति, खासतौर पर बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए इंदौर के जो प्रयास हो रहे हैं, इस दिशा में और कदम आगे बढ़ाते हुए पिछले 15 दिनों में जो हमने अभियान चलाया है उसका परिणाम ये हो रहा है कि अभी टीम्स जा रही हैं तो बाल भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हमने 3 FIR भी कराई हैं, JJ एक्ट में भी 2 FIR हुई हैं। इसके साथ साथ लगभग 17 बच्चों को हमने रेस्क्यू करके जो आश्रम हैं उनमें रखा हुआ है और लगभग 200 से अधिक परिवार को हम लोगों ने समझाइश भी दी है जो अपने बच्चों को किसी तरीके से उसमें एम्प्लॉय कर रहे थे। लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हुए लगातार हम लोग इसकी मॉनिटरिंग और करेंगे और ख़ास तौर पर ऐसे चौराहे, लगभग सभी चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं ट्रैफिक पुलिस के लिए, जिनको मॉनिटर, ट्रैफिक की दृष्टि से जिनको मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे और वो ये भी देखने का काम करेंगे कि उन कैमरों में कहीं बाल भिक्षावृत्ति होती तो नहीं दिख रही है, उसकी सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन को दी जाएगी। बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कलेक्टर ने आमजन से सूचना शेयर करने की भी अपील की है। जो भी बाल भिक्षावृत्ति की जानकारी प्रशासन तक फोटो लोकेशन के साथ पहुंचाएगा उसे नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन जल्द ही एक नंबर भी जारी करेगा। इसके साथ साथ एक नंबर भी हम लोग जारी करने वाले हैं। उस नंबर पर अगर किसी व्यक्ति को बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त कोई बच्चा दिखता है, अगर उसकी सूचना प्रदान करी जाएगी व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन के साथ में, तो हम लोग सम्मान स्वरूप उनको 1,000 रुपये भी प्रदान करेंगे और अगर एक से अधिक कोई ऐसी सूचना प्रदान करता है तो हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देंगे, क्योंकि वो हमारे इस अभियान में सहायक हो रहे हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों को CM हेल्पलाइन की जो पेंडेंसी है उसको दूर करने हेतु भी निर्देशित किया गया है और हमारा ज़िला अभी कैटेगरी जो हमारी ए होती है उनमें टॉप 5 में है, लेकिन हम लोग और लगातार बेहतरी के लिए प्रयास करें, इस हेतु सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए कुछ बच्चों को प्रशासन ने शिक्षा के साथ जोड़ दिया है, जबकि उनके माता पिता को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।